ओके, गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। तो वी वर एट एक्सरसाइज नंबर 5.1 एंड 5.1 इज ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड। द लास्ट टू क्वेश्चंस घर पे ट्राई किए थे किस किसने किए थे? लेट मी नो। नो वन? तो कल ही दिया था शायद भाषण। कब दिया था? कल ही तो दिया था शायद भाषण, या परसों दिया था? कल ही दिया था ना, तो अभी तक मतलब कल के भाषण का भी इफेक्ट नहीं है। क्या कहा था मैंने कि आज जो सर करवाने वाले हैं एटलीस्ट थोड़ा सा हम देख कर आए, बोला था। और कल तो कुछ होमवर्क भी नहीं था, नहीं था ना? होमवर्क भी नहीं था तो इसको ही होमवर्क मान सकते हैं कि चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई तो कर लेते हैं, रफली ट्राई कर लेते हैं, विदाउट स्टेप्स ट्राई कर लेते हैं, कैलकुलेटिव पार्ट ट्राई कर लेते हैं। नहीं करना, बोलो। नहीं करोगे तो पछताओगे, एग्जाम में बड़ी याद आएगी। ये जो मैं भाषण दे रहा हूँ ये भाषण बड़े याद आएंगे एग्जाम में, जब नया क्वेश्चन आएगा और उस टाइम ये समझ नहीं आ रहा होगा कि अब इसको ट्राई करूं या सॉल्व करूं, क्योंकि ट्राई करने का वक्त तो चला गया तो सॉल्व होगा नहीं वो, फिर उस टाइम ये भाषण बड़े याद आएंगे कि सर कहते थे उस टाइम समय था काफी, कर लेते ये प्रैक्टिस। देखो, यू विल हैव एन अनसीन क्वेश्चन इन योर बोर्ड एग्जाम, दैट इज फिक्स्ड एंड नो वन कैन चेंज दिस। रखा रखा है क्वेश्चन आएगा नहीं, आप चाहे से 100 नहीं, 1000 नहीं, 1 लाख क्वेश्चन करके जाओ चाहे से, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठोगे तो 1 लाख एक नंबर वाला क्वेश्चन आएगा आपके सामने, यानी हमेशा अनसीन आएगा। क्या आएगा? अनसीन। अब वो कितना अनसीन आता है दैट डिपेंड्स ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर। कितना अनसीन आता है, एक तो बिल्कुल ही अनसीन दे दिया, एक थोड़ा बहुत मिलता जुलता दिया, तो हम उसको उस समय तभी टैकल कर सकते हैं जब हम घर पे प्रैक्टिस अनसीन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करके गए। अनसीन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करते हैं? अभी अगले 2 क्वेश्चंस आपके लिए अनसीन है ना, तो इसकी प्रैक्टिस आपको घर से करके आनी चाहिए थी और फिर देखना चाहिए था कि आप सर कैसे करवाते हैं। ऐसे ही प्रैक्टिस होगी अनसीन क्वेश्चंस की, और कैसे होगी आप बताइए? इज देयर एनी अदर वे आउट? अगर और कोई आपके माइंड में स्ट्रेटेजी है तो आप मुझे बता दो, वैसे ही अप्लाई कर लेते हैं सर, ऐसे कर लो। मेरे हिसाब से तो ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है कि जो अगले क्वेश्चन है उनको आप घर पे बैठ के ज्यादा नहीं 1 से 2 क्वेश्चन घर पे ट्राई करें और फिर अगले दिन आके देखें कि सर कैसे करवाते हैं, और आप भी अपने डाउट रख सकते हैं। हो सकता है कि आपसे घर पे सॉल्व हो जाए, हो सकता है कि पूरे हो जाए, हो सकता है अधूरे पार्टली सॉल्व हो जाए, और हो सकता है बिल्कुल ही ना हो। तीनों ही केसेस में आप ही को फायदा है, समझे क्या? समझ गए? तो आदत को जितना जल्दी हो सके डाल लो बेटा, अभी भी समय है, अभी भी गया नहीं है पर धीरे धीरे जा रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग, दिस इज द क्वेश्चन, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट वी हैव डन ऑलरेडी। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, वेल मतलब क्या होता है यहाँ पे? कुआ। ऑल इज वेल, वो वाला वेल नहीं है ये, ऑल इज वेल वाला वेल नहीं है ये, कुएं वाला वेल है। ऑल इज नॉट वेल हियर एक्चुअली। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल, वेल यानी कुएं को खोदने का खर्चा, कॉस्ट है, वो दे रखा है। कितना दे रखा है? पहला मीटर, जब आप 1 मीटर कुआ खोदेंगे तो कितना खर्चा लेगा वो खोदने वाला आपसे? 150, 150 रुपए ले लेगा 1 मीटर खोदने के। उसके बाद फिर वो 50-50 रुपए हर 1 मीटर पे बढ़ाता जाएगा, 50-50 रुपए एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। यानी कि 1 मीटर कुआ खोदा तो उसके 150 रुपए ले लेगा, 2 मीटर कुआ खोदा तो उसके वो कितने रुपए लेगा? कितने लेगा? 150 + 50, 200 रुपए लेगा। क्यों? क्योंकि जितना हम डेप्थ में जाएंगे उतना उसके लिए मुश्किल बढ़ेगी, खोदने वाले के लिए उसके लिए परेशानी बढ़ेगी, जितना वो डेप्थ में जाएगा उसके लिए मुश्किल बढ़ेगी बढ़ेगी ना, तो इसलिए वो ज्यादा खर्चा लेगा। जिस काम में ज्यादा मुश्किल है उस काम का ज्यादा खर्चा होता है, सिंपल सी बात है, और जो काम आसान है उसका कम खर्चा होता है। तो इस तरीके से वो 50-50 रुपए हर 1 मीटर पे अपनी कॉस्ट बढ़ाता जाएगा। तो आपको पता करना है कि जो लिस्ट ऑफ नंबर्स मुझे मिलेगा कि 1 मीटर खोदने के बाद कितना खर्चा आया, फिर 2 मीटर खोदने के बाद कितना खर्चा आया, फिर 3 मीटर खोदने के बाद कितना खर्चा आया, तो ये जो कॉस्ट मिलेगी, ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स मिलेगी, क्या ये एपी बनेगी या नहीं बनेगी, ये चेक करना। समझ आया? अब पहले इंप्रेशन में पढ़ने में क्या लग रहा है, एपी बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी, जब इक्वल क्वांटिटी ऐड होती है तो हमेशा एपी बनती है। साफ साफ पता चलता है कि 50 रुपए वो बढ़ाएगा, जैसे टैक्सी फेयर में बढ़ा रहा था वैसे इसमें बढ़ा। शुरू करें? चलो खत्म करो। तो
हम स्टार्ट करते हैं। हेयर इट इज गिवन दैट, हेयर इट इज गिवन दैट द कॉस्ट ऑफ डिगिंग, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर द फर्स्ट मीटर, फर्स्ट मीटर की मैंने आपको कितना, फॉर द फर्स्ट मीटर कितना रुपीज की मैंने, फर्स्ट मीटर का रुपीज बोलो 150, फीस 150, ओके। ऑल्सो इट इज गिवन दैट, अब 50 50 रुपए बढ़ाना है ऐसा आपको गिवन है। ऑल्सो इट इज गिवन दैट ऑल्सो इट इज गिवन दैट द कॉस्ट ऑफ डिगिंग, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग राइजेस, क्या लिखा हुआ है वो लाइन कॉपी पेस्ट मार दो। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, सब्सिक्वेंट मतलब आगे का मीटर, आगे का जितने भी एक एक मीटर बढ़ेगा 50 50 रुपए बढ़ता जाएगा। तो इस लाइन को कॉपी पेस्ट कर दें, राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। और ईच सब्सिक्वेंट, वो मीटर की स्पेलिंग ऊपर गलत लिखिए, सही कर देना। मीटर की स्पेलिंग क्या होती है, METRE, METER मीटर, तो वो दूसरा वाला मीटर होता है जैसे लाइट का मीटर, ठीक है, ओके, METRE। सो तो इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से अपन सेकंड मीटर, थर्ड मीटर एंड फोर्थ मीटर, इस बार चार टर्म्स निकाल लेते हैं क्योंकि इजी है, 50 50 ही जोड़ना है, और चार टर्म्स के हिसाब से अपन देख लेंगे, कॉमन डिफरेंस भी 50 ही आएगा पता है मुझे, और ये एपी बन जाएगी। ओके, तो द कॉस्ट ऑफ डिगिंग द वेल, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग द वेल फॉर द सेकंड मीटर, फॉर द सेकंड मीटर एंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग द वेल फॉर द थर्ड मीटर एंड फॉर द फोर्थ मीटर, द वेल फॉर द थर्ड मीटर, ये निकालेंगे अभी हम यहाँ पे इक्वल टू एंड एक लास्ट टर्म और निकालेंगे, चार टर्म्स निकालेंगे हम इस बार। मिनिमम कितनी निकालनी है, मिनिमम 3 तो कंपलसरी है, मतलब उसके बिना तो क्वेश्चन अधूरा है, सॉल्यूशन अधूरा है, और अगर आपके बस की बात हो, बस की बात हो मतलब टाइम हो और कैलकुलेशन इजी हो, तो चार निकाल के आ जाना, एक एक एक्स्ट्रा में निकाल के आ जाना, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग द वेल फॉर द फोर्थ मीटर, फॉर द फोर्थ मीटर, ओके। तो ये क्या सेकंड मीटर का खर्चा कितना आएगा, पिछले मीटर के खर्चे में 50 जोड़ना पड़ेगा, उसने कहा था 50 50 बढ़ा दो, तो पिछले मीटर में 150 में 50 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 200, फिर इसमें 50 जोड़ दो तो ये क्या मिलेगा 250, और फिर इसमें 50 जोड़ दो तो इसमें क्या मिलेगा बताओ 300। अच्छा एक चीज नहीं लिखी, बताओ क्या नहीं लिखी, A1 A2 A3, तो लगा दो, मेरे पास तो स्पेस है, आप बनाओ स्पेस, दैट इज A1 दैट इज A2 दैट इज A3 दैट इज A4, चार टर्म्स यही तो होंगी हमारी, A1 A2 A3 A4, ठीक है, मिल गए चार नंबर्स। पहला नंबर क्या है 150, दूसरा नंबर 200, तीसरा नंबर 250, चौथा नंबर 300। सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स इज, लिखते हैं, हो गया यहां तक नोट डाउन।
हो गया नोट डाउन। आपके टीचर यहाँ पे लिखकर खत्म करे, उसके 10 सेकंड बाद आपका काम वहां पे हो जाना चाहिए। अगर इस स्पीड से चल रहे हो तो आपका 10th का मैथ्स का पेपर आप अटेम्प्ट कर पाओगे, नहीं तो यकीन जान लो आप मैथ्स का पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकते, पूरा नहीं अटेम्प्ट कर सकते। अब उस हिसाब से अपनी अपनी स्पीड जान लो और पढ़ाने की कोशिश करते जाओ। यहाँ पे टीचर ने स्टॉप किया 300 लिख के, उसके 3 10 सेकंड मैक्सिमम बाद आप भी आपकी नोटबुक में खत्म कर दो। कई बच्चे साथ के साथ कर लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन 5 से 10 सेकंड के अंदर खत्म कर दो। अब मैं देखता हूँ खत्म करने के बाद भी कई लोगों को 2 मिनट 5 मिनट भी लग जाते हैं कई लोग करते करते, तो उनकी स्पीड काफी स्लो है, उनका पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा। डिस्क्लेमर है, ये वैधानिक चेतावनी है, ठीक है? चलो, तो द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व इज, द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व इज, देखते हैं क्या लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व है। पहले पहला टर्म क्या मिला, 150, देन अगेन 200, तीसरे मीटर के लिए 250, चौथे मीटर के लिए 300। ठीक है, चलिए अब इसके आगे का काम आप जानते हो, कॉमन डिफरेंस निकाल लें। नाउ द कॉमन डिफरेंस, कोई रखा रखाया काम, अब तो बोर ही हो गए होंगे, पूरी एक्सरसाइज में कितनी बार कर लिया काम। कॉमन डिफरेंस, और इतनी बार करने के बाद भी अगर कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर क्या लाना था फिर, तो बताओ बताओ, सबको याद है? बोलो केशव, गलत। आप करेक्ट करो, बिल्कुल वेयर एन इज ग्रेटर देन वन। अब है ये फॉर्मूला कंप्लीट, क्योंकि अगर हमने वहां पे स्टॉप कर दिया तो फिर मेरी मर्जी, फिर मैं वन भी रख लूंगा, और वन रख लूंगा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं बनेगा, a1 - a0, a0 तो होता ही नहीं है, ठीक है? तो चार अगर टर्म्स गिवन है तो कितने केसेस बन जाएंगे, 3 केसेस बन जाएंगे। पहला केस a2 - a1, दूसरा केस a3 - a2, तीसरा केस a4 - a3। और लगा दो, और यहां पर भी और लगा दो, और 50 50 आएगा, वैसे तो माइनस करने में पता है मुझे। 200 - 150 दैट कम्स आउट टू बी 50, इधर आ जाएगा 250 - 200 दैट ऑल्सो कम्स आउट टू बी 50, और यहाँ 300 - 250 दैट ऑल्सो कम्स आउट टू बी 50। तो कॉमन डिफरेंस इज सेम इन ऑल द केसेस, हियर द कॉमन डिफरेंस डी इज सेम इन ऑल द केसेस, इज सेम इन ऑल द केसेस। तो द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व इन द गिवन सिचुएशन, इन्वॉल्व इन द गिवन सिचुएशन सिचुएशन फॉर्म्स एंड एपी, फॉर्म्स एंड एपी, ओके? हाँ, चले लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज एंड लास्ट सिचुएशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के अंदर स्टेप्स आपको अपने आप लिखने हैं, मतलब ये जो है, ये जो स्टेप्स हैं, कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है, इसको मैच करने के स्टेप्स आपको अपने आप लिखने हैं। लिस्ट ऑफ नंबर्स बनाने तक का काम हम करके दे रहे हैं आपको, ठीक है? लिस्ट ऑफ नंबर्स बनने के बाद का काम तो कर दोगे। चलो देखें, क्वेश्चन रीड करें एक बार, ये हो गया नोट डाउन सबका, सबको समझ आ गया अच्छे से? ओके, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर रीड आउट करते हैं हम। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर फोर इज द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, बातें नहीं,
₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। अब ये जो क्वेश्चन है इसको कर दो स्टार मार्क, क्योंकि अभी तक जो सिचुएशंस थी वो सिचुएशंस थोड़ी सी अनप्रैक्टिकल सिचुएशंस लग रही थी, ठीक है ना। कुआं को दो वैक्यूम, उससे सिलेंडर से हवा खींचो, और क्या था, टैक्सी में भी घूमो। लेकिन अब ये बिल्कुल मैथमेटिकल सिचुएशन मिल गई, तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर आते हैं, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट टोटली मैथ्स का ही पार्ट एंड पार्सल है। और अभी एपी में अगर वो वाला पार्ट आ गया तो वो टोटल 100% शुद्ध, 100% शुद्ध मैथ्स का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। कुछ भी मिलावट नहीं है उसमें, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो पहले तो आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे एक टर्म यूज हो रही है कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके बारे में कौन जानता है? कोई भी नहीं जानता है। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट छोड़ो, सिंपल इंटरेस्ट, इसके बारे में कौन जानता है? बोलो। ब्याज। तो ब्याज को तो इंग्लिश में इंटरेस्ट बोलते हैं, फिर ये सिंपल और कंपाउंड वर्ड के क्या मायने हैं? एडिशनल कॉस्ट देनी पड़ती है। अच्छा, किसी को भी नहीं पता सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट? आपको भी नहीं पता? कैसे बनी हो आप? अब तो मेरे को वाकई में डाउट होता है। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। अब ये तो सुना होगा, नहीं सुना? नहीं, किसी ने भी नहीं सुना? शैली बताओ, नहीं सुना? और आया भी नहीं आज तक मैथ्स में कभी? 7th 8th क्लास में आया। ओके अच्छा, इंटरेस्ट का मतलब पता है क्या? छोड़ो, इंटरेस्ट यानी कि जिसको हम बोलते हैं ब्याज, इसका मीनिंग तो पता है क्या सबको? ब्याज पता है सबको? बोलो अदिति, ब्याज क्या होता है? ठीक है, 2 रुपए सैकड़ा, ये पक्का बनिया है, ठीक है। ओके, ब्याज का मतलब है अपना अमाउंट, अमाउंट मतलब पैसा। अगर अपन किसी दूसरे को यूज करने के लिए दें, यूज करने का मतलब उसके काम में आने के लिए दें, तो जब अपन उससे वो अमाउंट वापस लेंगे तो एक तरीके से उसका, एक तरीके से कुछ रिवॉर्ड लेंगे। भाई अगर मैंने आपको कुछ दिया है तो बदले में कुछ लूंगा ना। अब ऐसे कैसे, आप, मैंने आपको 10,000 दिया, आपने 10,000 ही वापस दे दिए, तो फिर मैंने आपको पैसे ही क्यों दिए? तो कुछ मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, तो बदले में जो मुझे रिवॉर्ड मिलता है उसको कहते हैं इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। क्या कहते हैं उसको? इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, ठीक है। वो अलग अलग केसेस में अलग अलग डिसाइडेड होता है। अब ये जो ब्याज हमको मिलता है, जैसे बैंक में भी हम पैसा रखते हैं तो बदले में बैंक हमको ब्याज देती है उस पैसे में, ठीक है। या फिर बैंक से हम लोन लेते हैं तो हमको ब्याज देना पड़ता है। अगर हम पैसे लेंगे तो ब्याज देना पड़ेगा, अगर पैसे देंगे तो ब्याज हमको मिलेगा। समझ गए? क्लियर है? देना मत किसी को ब्याज पे, डूब जाते हैं पैसे, ठीक है। बैंक में रखना बढ़िया, आराम से बैंक का ब्याज खाना, कम खाना पर सुखी रहना, ठीक है। चलो अब आते हैं मुद्दे पे वापस। अब बात ये आती है कि सिंपल और कंपाउंड वर्ड के क्या मायने। अब ध्यान से सुनना, आप बहुत यहाँ पे क्रूशल टॉपिक शुरू हो रहा है। ये सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट को आपको पूरे एंड तक नहीं छोड़ेगा आपका पीछा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आपके एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते चले जाएंगे। अब बिल्कुल डिटेल में समझते हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है ना। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एग्जाम्पल। देखो उसमें भी 10,000 रुपए की बात करी है, तो अपन एग्जाम्पल 10,000 का ही ले लेते हैं। तो 10,000 का एग्जाम्पल लेंगे तो क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा इस बारे में, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को साइड में रखते हैं। मेरे पास 10,000 रुपए हैं, लेट से, ओके। इस 10,000 को मैंने ब्याज पे दिया, यानी किसी को लैंड लैंड कर दिया। LEND, लैंड का मतलब होता है उधार देना, और बोरो का मतलब होता है उधार लेना। तो मैंने लैंड किया, आई लैंडेड ₹10,000 टू एनी पर्सन। किसी पर्सन को भी दे सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी दे सकते हैं, किसी बैंक में रख दिया मैंने, ऐसे मान। तो अगर मैं इसको सिंपल इंटरेस्ट पे दूं तो क्या होगा, और मैं इसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे दूं तो क्या होगा? डिटेल में समझते हैं क्या फर्क है सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में, ये समझते हैं, ठीक है। ये मैं लाइन खींच देता हूं। ओके, अब सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का पहले तो सिंगल लाइन में मीनिंग समझो। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब जितना इंटरेस्ट आपने फिक्स कर लिया, जैसे सपोज करो मैं आपसे पैसे ले रहा हूं या मैं आपको पैसे दे रहा हूं, तो आपके और मेरे बीच में कुछ डील फिक्स होगी,
जैसे सपोज करो मैं पैसे दे रहा हूँ तो मैं कहूंगा कि साहब मुझे 10% ब्याज चाहिए, आप कहोगे नहीं साहब 10% ज्यादा है, 8% में करो, फिर हम दोनों का सौदा 9% में हो जाएगा लेटेस्ट से। तो कुछ भी हमारे बीच में जो डील फिक्स होगी, अगर वो जो डील है रेट ऑफ इंटरेस्ट की 9%, 10%, 11% जो भी डील है वो सिंपल इंटरेस्ट पे तय हुई है, अगर तो सिंपल इंटरेस्ट पे तय हुई है तो वो इंटरेस्ट फिक्स रहेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर वो 5 साल तक है तो 5 साल तक वो फिक्स रहेगा, जो पिछले साल जो पहले साल इंटरेस्ट लगा वो का वो इंटरेस्ट दूसरे साल लगेगा, वो का वो इंटरेस्ट तीसरे साल लगेगा, वो का वो इंटरेस्ट चौथे साल लगेगा, और वो का वो इंटरेस्ट पांचवें साल लगेगा। यानी अमाउंट फिक्स हो जाएगा, अमाउंट क्या हो जाएगा फिक्स, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में वो फिक्स नहीं होगा। अब वो फिक्स कैसे नहीं होगा सर, जब डील हो गई तो फिक्स होना चाहिए ना, तो देखो कैसे नहीं होगा, देखो ध्यान से, लेटर से मैंने 10% की बात करते हैं, 10% में मैंने आपको पैसा दिया, तो अगर मैंने सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा दिया है कितना 10,000 पे, तो ये पहला साल चल रहा है, जैसे ही पहला साल खत्म हुआ, जैसे ही पहला साल खत्म हुआ तो मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट कितना मिलेगा 10%, 10% किसका 10,000 का, लगाओ 10% 10,000 का, 1,000 रुपये हो जाएंगे, बताओ बोलो 1,000 रुपये हो जाएंगे ना, 2 0 ये गए, 2 0 ये गए, 100 × 10 कितने रुपए मिले मुझे, 1,000 रुपए मिले। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, इसमें भी 1,000 रुपए ही मिलेंगे, इसमें भी मुझे 10% के हिसाब से सौदा तय हुआ है तो इसमें भी हमको 1,000 रुपए ही मिलेंगे। यानी कि क्या समझे, पहले साल के एंड में तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर ब्याज देता है, कोई डिफरेंस आता ही नहीं है। अगर आप 1 साल के लिए पैसा उधार ले रहे हो या दे रहे हो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, आप सिंपल पे लो या कंपाउंड पे लो, आप बिल्कुल बराबर रहेंगे, इधर भी जो आपको ब्याज देना पड़ेगा उधर भी उतना ही देना पड़ेगा। तो ये मैंने 00 00 काटा, यहाँ पर भी मुझे 10,000 देने पड़े। ओके क्लियर डन। अब लेकिन फर्क शुरू हो जाएगा दूसरे साल से, दूसरे साल से कैसे फर्क शुरू होगा, दूसरे साल में यहाँ पे जो इंटरेस्ट लगेगा, मैंने क्या कहा था यहाँ फिक्स होता है, यहाँ पे क्या होता है फिक्स होता है, तो यहाँ पे 10% अगेन वही 10,000 का 10% निकालूंगा तो वही 1,000 आएगा, जो पहले आया था वो का वही आएगा, चेंज नहीं होगा, जो पहले आया था वो का वही होगा, यहाँ पे चेंज नहीं होगा। अच्छा इसको निकालने से पहले 1 मिनट रुको, इंटरेस्ट निकालने से पहले अब मैं पहले ये देख लूँ कि मेरी रकम कितनी हो गई, दूसरे साल के एंड में मेरी रकम कितनी हो गई, तो मैंने 10,000 रुपये बैंक में डाले थे, 1,000 रुपये मुझे ब्याज मिल गया, तो अब मेरा टोटल अमाउंट कितना हो गया, 10,000 + 1,000, तो अभी मैं अगर बैंक जाऊंगा और चेक करूंगा तो मेरा अमाउंट मुझे कितना मिलेगा, 11,000 रुपये मिलेगा, समझ आया, कितना अमाउंट मिलेगा 11,000। अब दूसरे साल के एंड पे वापस मुझे ब्याज मिलेगा, तो अब दूसरे साल के एंड पे मुझे ब्याज मिल रहा है, चेक करो, तो मैंने क्या कहा, यहाँ तो फिक्स होता है, फिक्स होता है तो वही 10% और वही 10,000 आया, बोलो समझ आया क्या। लेकिन उधर क्या होगा, उधर देखते हैं, अमाउंट तो उधर भी 2 साल के एंड में, मतलब 1 साल के एंड में जो अमाउंट होगा उधर भी उतना ही होगा, 11,000 ही होगा, 10,000 मैंने जमा कराए थे, 1,000 रुपये मुझे ब्याज मिल गया, टोटल कितना अमाउंट हो गया मेरा 11,000। लेकिन जब सेकेंड ईयर के एंड में अब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पे इंटरेस्ट मुझे इसके मुकाबले ज्यादा मिलेगा, कैसे ज्यादा मिलेगा, देखो यहाँ पे मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ 10%, भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट तो फिक्स रहेगी लेकिन अमाउंट चेंज हो जाएगा। देखो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज मतलब जो 10,000 रुपये दिए थे ना शुरू में, हर बार 10,000 रुपये ब्याज लगेगा, इधर 10,000 रुपये ब्याज लगा, दूसरे साल में भी 10,000 रुपये लगेगा, तीसरे साल में भी 10,000 रुपये लगेगा, चौथे साल में भी 10,000 रुपये लगेगा, तो सब पे 10, हर साल 10,000 रुपये पे ही ब्याज लगेगा, तो हर साल 1,000 रुपये ही कैलकुलेट होके आएगा। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ पे मैं बैंक से जाऊंगा कि मैंने आपको 10,000 रुपये जमा कराए थे, ब्याज समेत कितने हो गए, बैंक कहेंगे आपके 11,000 हो गए, तो आप क्या कहोगे बैंक को कि अब मेरा अगले साल का ब्याज आप 10 पे मत लगाओ, इस पे लगाओ, किस पे लगाओ 11 पे लगाओ, समझ आया, क्योंकि आज की तारीख में मेरे खाते में 10,000 थोड़ी ना है, कितने रुपए 11,000 रुपए, तो अब अगले साल का ब्याज 10,000 रुपये नहीं लगाएंगे, किस पे लगाएंगे 11,000। और सिंपल इंटरेस्ट के केस में आपके वो इंटरेस्ट जुड़ जुड़ के अमाउंट बढ़ रहा है, लेकिन जो आपने इनिशियल डिपॉजिट किया था शुरुआत में हर साल ब्याज उसी पे लगता है, इसलिए यहाँ पे ब्याज फिक्स रहता है, हर साल ब्याज फिक्स रहता है और यहाँ पे हर साल ब्याज बढ़ता जाता है, क्योंकि आपका अमाउंट बढ़ रहा है, तो पिछले आपने स्टार्टिंग में 10,000 पे जमा करा है, आपका ब्याज समय 11,000 हो गया, तो नेक्स्ट ईयर 11,000 पे ब्याज मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, फिर अब उसके अगले साल उसके अगले जो टोटल अमाउंट हो चुका है उस पर ब्याज मिलेगा तो और ज्यादा मिलेगा, समझ गए। अब इस पे ब्याज निकालते हैं अपन 11,000, किस पे निकालेंगे बोलो, किस पे निकालेंगे 11,000, निकालना जरा कितना हुआ 1,100, तो 100 रुपये ब्याज ज्यादा मिला इसके मुकाबले, चेक करो
दूसरे साल के एंड में इधर 1,000 ही मिल रहा है जो पहले साल के एंड में मिला था, लेकिन यहाँ पे पहले साल के एंड में तो 1,000 मिला था, लेकिन दूसरे साल के एंड में यहाँ पे कितना मिल रहा है, 1,100 मिल रहा है। चलो एक साल का और कैलकुलेट करते हैं, उससे थोड़ी सी और क्लियर पिक्चर हो जाएगी। तो तीसरा साल जब शुरू हो रहा था तब मेरा अमाउंट कितना हुआ, यहाँ पे चेक करो, बताओ कितना होगा। 11,000 तो पहले ही थे और 1,000 पे ब्याज कैलकुलेट हुआ इस साल का, तो कितने रुपए हो गए मेरे बैंक में, 12,000। उधर आओ, तीसरे साल के एंड में यहाँ पे अमाउंट कितना हुआ, 11,000 तो पहले ही थे है ना, और ब्याज इस बार मेरा 1,000 नहीं जुड़ा, कितना जुड़ा, 1,100 जुड़ा। तो 11,000 में 1,100 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 12,100, 100 रुपए ज्यादा आएंगे। तो इस केस में मेरे 12,000 ही बैंक में बने और उसमें मेरे 12,100 बन गए। अब मैं ब्याज कैलकुलेट कर रहा हूँ तीसरे साल का, तो बेटा ये तो फिक्स्ड इंटरेस्ट, फिक्स्ड सिंपल इंटरेस्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट पे तो वही वापस 10,000 भी जुड़ेगा जो इनिशियल डिपॉजिट था, ओके, इसी पे जुड़ेगा। तो मैं क्या कर दूंगा, वही 10% इंटू किसका, 10,000 का, तो वही जुड़ेगा जो पहले जुड़ा था, यानी कि क्या जुड़ेगा, 1,000 ही जुड़ेगा। इधर क्या होगा बता सकता है कोई, 10% किसका जुड़ेगा, ना तो 10,000 का जुड़ेगा ना 11,000 का जुड़ेगा, आज की तारीख में 12,100 रुपए हैं, तो 12,100 रुपए पे वो ब्याज जुड़ेगा। समझ आया, क्लियर है? तो अब यहाँ पे 12,100 रुपए पे जरा 10% का ब्याज जोड़ना, या तो 1,210, और वहां कितना जुड़ रहा है चेक करो, कहाँ तो वहां 1,000 रुपए ही जुड़ रहा है और यहाँ पे क्या जुड़ रहा है, 1,210। तो कितने रुपए ज्यादा जुड़ा, 110 रुपए ज्यादा जुड़े, 210 रुपए नहीं, हाँ 210 रुपए ज्यादा जुड़े, ठीक है, समझ आया? तो अब बताओ यहाँ पे तीसरे साल के एंड में यहाँ पे अमाउंट कितना होगा, मतलब चौथे साल के स्टार्टिंग में कह दो या तीसरे साल के एंड में, 12,000 प्लस 1,000, दैट कम्स आउट टू बी हाउ मेनी थाउजेंड, 13,000, और इधर कितना अमाउंट बन गया मेरा बताओ, 12,100 प्लस 1,210, यानी जोड़ना जरा, 14,000, ये कुछ गलत किया ऐसा लग रहा है, एक मिनट रुक जाओ, इतना फर्क नहीं आएगा, 13 आएगा ना, हाँ मैं बस 14,000 कर रहा हूँ, क्योंकि फर्क आता है कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में, लेकिन ऐसा नहीं आएगा कि इधर 13,000 हुआ इधर 14,000, कुछ 100 रुपए का फर्क आएगा है ना, कुछ अगर लंबा पीरियड खींच गया तो फिर फर्क पड़ता जाएगा, अभी तो 3 साल ही निकले ना, तो कितना फर्क हुआ, 12,100 और 1,200 कितने में, 13,310, और इधर कितना रुपए बनते हैं, 13,000, इधर कितने बनते हैं, 13,000, कितने रुपए ज्यादा बने वहां पे, 310 रुपए वहां पे ज्यादा बने, तो इतना फर्क आता है, ठीक है, समझ आया क्या। सिंपल इंटरेस्ट में जो इनिशियल डिपॉजिट होगा उसी पे हर साल इंटरेस्ट लगता रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, हर साल आपका अमाउंट कुम्युलेटिव कर दिया जाएगा, मतलब अक्यूमुलेट कर दिया जाएगा, मिक्स कर जोड़ दिया जाएगा, और फिर जो टोटल अमाउंट होगा उस पे ब्याज लगाया जाएगा, ठीक है। तो बताओ फायदा किसमें है, जब ब्याज ले रहे हैं तो कंपाउंड में दे रहे हैं तो फिर किसमें फायदा है, अगर हमने पैसा उधार ले रखा है और हमको ब्याज देना है तो फिर फायदा इसमें, ठीक है, और अगर हमने पैसा दे रखा है किसी को, यानी बैंक में रख रखा है, बैंक से हम ब्याज ले रहे हैं तो फिर फायदा इसमें, आपको जानकारी के लिए आपको बता दें बैंक में कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है आपको, ठीक है, यानी कि आपका एक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पहले इंटरेस्ट दे देते हैं, इंटरेस्ट देके फिर आपको टोटल अमाउंट जो होता है नेक्स्ट ईयर फिर उस अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, ओके। अब मुझे एक चीज बताओ, सोच के बताना जरा कि ये 310 रुपए का फर्क आखिर आया कहाँ से, 310 रुपए का फर्क आखिर आया कहाँ, चलो सेकेंड ईयर के एंड में ही बात करते हैं पहले तो अपन, भाई फर्स्ट ईयर के एंड में कोई फर्क है क्या, चेक करो बोलो, फर्स्ट ईयर के एंड में तो कोई फर्क नहीं है, 1,000 रुपए ब्याज या 1,000 रुपए ब्याज है, लेकिन दूसरे साल के एंड में यहाँ पे 1,000 रुपए ब्याज है, वहां पे 1,100 रुपए ब्याज है, तो ये 100 रुपए का फर्क क्यों है, कोई बता सकता है ये 100 रुपए का फर्क क्यों है, ये इस 100 रुपए को हम कहते हैं देसी भाषा में ब्याज में ब्याज, क्या कहते हैं, आपने सुना होगा आपके घरों में मम्मी पापा को बात करते हैं क्या, वो तो ब्याज पे ब्याज लेता है, ब्याज पे ब्याज है, कैसे ब्याज पे ब्याज, सुनना ध्यान से, मैं कह रहा हूं देखो, यहाँ पे 10,000 रुपए पे आपने 10% जोड़ा, यहाँ पे आपने कितने पे जोड़ा, तो आपने 1,000 पे ज्यादा पे जोड़ा, वो 1,000 पे कहाँ से मिला था, ब्याज में से मिला था, तो आपने उस 10,000 पे तो जोड़ा ही जोड़ा, इस 1,000 पे भी जोड़ा, यानी ब्याज पे आपने दोबारा ब्याज जोड़ा, जो आपको इंटरेस्ट मिल गया उस इंटरेस्ट अमाउंट पे भी आपने फिर से इंटरेस्ट लगाया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज पे ब्याज मिलता है, और सिंपल इंटरेस्ट में केवल मूल रकम पे ब्याज मिलता है, इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट है उसी पे ब्याज मिलता है, जैसे कितने भी साल आप रखें,
ओके समझ आ गया। तो एक सजेशन है, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन कभी आपको किसी से पैसा उधार लेने की जरूरत पड़े, तो लेटर से आप 3 साल के लिए उधार लेते हो किसी से, या 5 साल के लिए उधार लेते हो, तो आप दो चीजें उससे फिक्स करेंगे। पहली तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑब्वियसली, और रेट ऑफ इंटरेस्ट में बार्गेनिंग चलती है, नेगोशिएशन चलता है। वो कहेगा 10 आप गिना, नहीं नहीं 8 में मिल रहा है, फिर वो 9 पे आएगा, ऐसे 9.25 9.5। कई तो पैसों में भी नेगोशिएट करते हैं, 9.10 9.5, क्योंकि जब अमाउंट ज्यादा होता है तो 5-10 पैसे भी पड़ते हैं, तो वो आप बार्गेनिंग तो कर ही लेंगे। तो एक चीज जो फिक्स करेंगे आप, समझौता करेंगे, वो तो होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट का। दूसरा किसका समझौता करेंगे, ये वाला है या वो वाला है, यानी कि आप हर साल के एंड में जो ब्याज जुड़ेगा उसका, उस पर अगले साल ब्याज लगाओगे, या अभी जो मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ हर साल इसी अमाउंट पे ब्याज लगेगा। इस चीज को पहले क्लियर कर देना, लेने वाले अक्सर इस चीज को क्लियर नहीं करते, और देने वाला फिर ब्याज पे ब्याज लगाया जाता है, और फिर देने वाले को ये सोचना पड़ता है कि मैं हर साल पैसे दे रहा हूँ लेकिन मेरे पैसे कम क्यों नहीं हो रहे, ठीक है, क्योंकि उसने पहले कैलकुलेशन कैलकुलेशन इस हिसाब से कर दी कि मेरे इतना ब्याज लगेगा, लेकिन देने वाला तो इससे जुड़े जा रहा है पैसे। तो ये चीज पहले ही क्लियर कर लेना कि सिंपल इंटरेस्ट से पैसे लोगे आप रिटर्न में, या कंपाउंड इंटरेस्ट से लोगे, और ऑब्वियसली रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको चेक करना ही। तो इज इट क्लियर टू यू? अब मुझे बताओ कहां पर एपी फॉलो हो रही है, इस केस में या इस केस में, चेक करो। देखो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना हुआ, नहीं यहाँ पे अमाउंट कितना हुआ, 10,000। शुरू में अमाउंट कितना है, 10,000। एक साल के एंड में अमाउंट कितना है, 2 साल के एंड में कितना है, 3 साल के एंड में कितना है, हर साल हजार 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 जुड़ रहा है। जब फिक्स है 10,000 भी जोड़ना है, तो यानी कि जब इंटरेस्ट ही फिक्स हो गया, ब्याज ही फिक्स हो गया, तो बराबर बराबर अमाउंट स्पीड से आपका अमाउंट बढ़ता जाएगा। शुरुआत में 10,000 डिपॉजिट किए, तो एक साल के एंड में 11 हो जाएगा, 2 साल के एंड में 12 हो जाएगा, 3 साल के एंड में 13 हो जाएगा, तो हजार हजार फिक्स बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे तो एपी फॉलो होगी, लेकिन क्या वहां पे फॉलो होगी क्या, नहीं। देखो शुरुआत में आपने 10,000 जोड़ा, 10,000 दिया, तो वो कितना बन गया, 11,000। तो 1,000 का गैप आया, लेकिन फिर 11,000 से कितना बना, 12,100 बना, यानी कि अब 1,000 का गैप नहीं आया, आप 1,100 का गैप आया, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं हुआ ना। और फिर 12,100 से कितना बन गया, 13,310, तो अब और ज्यादा गैप हो गया, तो कॉमन डिफरेंस इस केस में तो सेम होगा, उस केस में सेम नहीं होगा। इन शॉर्ट अगर एपी का क्वेश्चन पूछा जाए कि ये एपी बनेगी या नहीं बनेगी, तो केवल एक चीज चेक कर लेना, सिंपल इंटरेस्ट है तो बनेगी, कंपाउंड इंटरेस्ट है तो सब्जेक्टिव पेपर क्वेश्चन है तो करके दिखाना है ये सारा कैलकुलेशन। लेकिन लेटर से कि मान लो ऑब्जेक्टिव पेपर है, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए एमसीक्यूज में आ जाए, भाई ये सिंपल इंटरेस्ट का एक केस है, इसमें एपी लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी बनेगी या नहीं बनेगी, तो आप केवल इतना पढ़ना, सिंपल इंटरेस्ट है ना तो बनेगी, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट है तो नहीं बनेगी। ओके अभी हमारे केस में क्या है, सिंपल या कंपाउंड, कंपाउंड है तो फिर बनेगी नहीं बनेगी बताओ, नहीं बनेगी, ठीक है। चलो अब इसके स्टेप्स लिख लें, तो इसमें मैं आपको लिस्ट ऑफ नंबर्स तक बना के दे रहा हूं, उसके बाद का काम आप होमवर्क मार्क करेंगे। Here it is given that, start writing. अब मैंने आपको लगे हाथ कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट का भी समझा दिया है, तो कल को यही सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट से बदल के सिंपल इंटरेस्ट में आ जाए, तो कोई ऐसे नहीं कहेगा कि ये क्वेश्चन नहीं करवाया, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में आपको इक्वल इक्वल अमाउंट ऐड करना है, तो उसमें एपी बन जाएगी, ठीक है। Here it is given that, कैसे स्टार्ट करेंगे, इनिशियल डिपॉजिट कितना है हमारा, 10,000। हियर इट इज गिवन दैट इनिशियल अमाउंट डिपॉजिटेड इक्वल टू कितना गिवन है, तो इसको तो ले लेते हैं, इनिशियल जो अमाउंट है उसको ले लेते हैं हम A1, ये कितना गिवन है, ₹10,000, ठीक है। अब ब्याज लगाओ उस पे, और फिर अमाउंट कितना बना वो हो जाएगा A2, फिर ब्याज लगाओ, फिर ऐड करो, फिर वो हो जाएगा A3, और इस तरीके से A3 या A4 तक हम बना लेते, ठीक है। नाउ ऑल्सो इट इज गिवन दैट, ऑल्सो इट इज गिवन दैट इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, तो क्या गिवन है, इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड
कंपाउंडली, कंपाउंडली एट 8% पर एनम। ये इंफॉर्मेशन गिवन है हमको कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे चल रहा है, कंपाउंडली चल रहा है और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चल रहा है, 8% पर एनम। पर एनम का मतलब पर ईयर, एनम का मतलब होता है ईयर। ओके, अब 8% में थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में भी थोड़ी दिक्कत आएगी। हमने 10% से कैलकुलेट किया था तो 10% किसी भी अमाउंट का 10% निकालना बड़ा आसान है। एक जीरो हटा दो बस, 10,000 का 10% 1,000, 1,000 का 10% 100, 100 का 10% 10 रुपया, 10 का 10% 1 रुपया, और 1 रुपये का 10% 10 पैसे। ठीक है चलो, लेकिन अभी हमको 8% से कैलकुलेट करना है। ओके तो आ जाइए, तो इंटरेस्ट कैलकुलेटेड आफ्टर फर्स्ट ईयर, आफ्टर फर्स्ट ईयर पहले साल के एंड में कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा निकालते हैं। तो 8% निकाल लो किसका, 10,000 का, 8/100 इंटू 10,000 करना कैलकुलेट, 800 हो जाएगा। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट हो गई, 8 × 100 कितना बनेगा, ₹800। तो ये तो इंटरेस्ट है, लेकिन उसने देखो क्या कहा है, अमाउंट ऑफ मनी। उसने इंटरेस्ट को, लिस्ट ऑफ नंबर्स में आपको इंटरेस्ट नहीं लेना, लिस्ट ऑफ नंबर्स में आपको क्या लेना है, अमाउंट ऑफ मनी। तो पहला अमाउंट जैसे आपके पास 10,000 था, अब आप एक साल के एंड में वापस देखो अमाउंट कितना है, वो हो जाएगा हमारा A2। कहीं गलती से इसी को A2 मान लो, ये तो इंटरेस्ट है। आपको A1, A2, A3 क्या लेना है, अमाउंट ऑफ मनी। शुरुआत में कितना था, एक साल के एंड में कितना था, दो साल के एंड में कितना था, तो शुरुआत में कितना था वो A1 हो गया। अब सेकेंड ईयर के एंड में कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा A2। ठीक है, तो इंटरेस्ट कैलकुलेटेड आ जाओ। सो अमाउंट ऑफ मनी, अमाउंट लिख दो सीधे, अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट। तो पहले कितना था, 10,000, पहले कितना था, 10,000, और इंटरेस्ट कितना मिला इस साल का हमको, 800। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया बताओ, 10,800, और ये हो जाएगा हमारा A2, दैट इज A2, यहाँ पे लिखो दैट इज A2। That is A2, ये A2 हो जाएगा। तो दो टर्म्स मिल गई, दो और निकाल लें। अब वापस इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, और क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है तो अब इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा, 10,000 पे या 10,800 पे, 10,800 पे। कंपाउंड इंटरेस्ट में इस समय जो रकम है उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, इनिशियल पे कैलकुलेट नहीं होगा। नाउ इंटरेस्ट कैलकुलेटेड आफ्टर सेकेंड ईयर, इंटरेस्ट कैलकुलेटेड आफ्टर सेकेंड ईयर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो फिक्स है वही 8%, पर ये 8% अब किस पर लगेगा, किस अमाउंट पे लगेगा, 10,800 पे लगेगा। ओके, दो जीरो से दो जीरो खत्म, बताओ कितना फर्क आ गया, 8 × 108 करना, 108 का 8 गुना, 108 रुपये, आठ आठ बार मिल जाए तो कितने रुपए होंगे, 100 100 के 8 नोट, 800 रुपए, और 8 8 रुपए 8 बार, 64 रुपीज ही हो गए, तो 864। ठीक है, अब अमाउंट देखो सेकेंड ईयर के बाद, तो अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर, अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर दैट इज, अच्छा अभी अपन ने ईयर एंड पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है, कई जगह मंथ एंड पे भी चलता है सिस्टम, तो फिर उसमें हर चीज मंथ एंड के हिसाब से चलेगी, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पर मंथ होगा, पर एनम नहीं होगा, कैलकुलेशन भी हर मंथ के एंड पे की जाएगी। अभी पर एनम है ना, तो कैलकुलेशन भी हर साल के एंड में की जाएगी। ठीक है, ये सपोज करो मैंने कहा कि मैं आपसे हर साल में 10% ब्याज लूंगा, तो ऑब्वियस बात है जब साल खत्म होगा तभी तो कैलकुलेट करूंगा, महीने के एंड में थोड़ा ना करूंगा जब साल का फिक्स किया है तो। लेकिन अगर मैंने महीने का फिक्स किया है कि नहीं, 10% साल का नहीं लूंगा मैं, तो 1 महीने का 1% ले लूंगा, तो फिर मैं अब हर मंथ के एंड में कैलकुलेट करूंगा। समझ गए, तो अभी पर एनम चल रहा है, आपके कोर्स में वैसे पर एनम ही चलता है हर बार, है ना, ईयर एंड में होता है जो भी होता है। A3 आइए, अब अमाउंट टोटल करिए, पहले कितना अमाउंट हो गया था, 10,800, और फिर 864 रुपये और मिल गया,
टोटल बताओ कितना हो गया, 800, 800, 1600, तो 11,664 बहुत पैसा हो गया है। तो चलो आ जाओ, अब A4 और निकाल लें, एक बार और ब्याज ले लें। ठीक है, नाउ इंटरेस्ट कैलकुलेटेड, लेकिन अब की बार डेसिमल में जाएगा मामला, लग रहा है ना, कर ले, ज्यादा बड़ी बात नहीं, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लग रहा है, कर दे, एक आध डेसिमल में भी चला जाए तो कोई खास बात नहीं। आफ्टर थर्ड ईयर, इंटरेस्ट कैलकुलेटेड आफ्टर थर्ड ईयर, 8/100 ऑफ 8/, अगर ये 10% होता ना तो फोर्थ टर्म पे डेसिमल में नहीं जाता, लेकिन 8% था ना तो फिगर कुछ ऐसा था कि अब फोर्थ टर्म में डेसिमल में चला जाएगा। अब 8% किसका कैलकुलेट होगा, इस समय जो अमाउंट है, इस समय क्या अमाउंट है, 11,664, इस पर 8% कैलकुलेट करो। ठीक है, करो जरा, तो इस बार थोड़ा सा कैलकुलेशन हैक्टिक है, करो जल्दी से इसको मल्टीप्लाई करके बताओ, हर कोई करके बताएगा। एट बाय हंड्रेड ऑफ 11,664 हो गया, और वो करने दो, हुआ किसी का कैलकुलेट, हुआ बताओ, 930, 933.25.12 सही है क्या, 933.12, ओके सबका यही आया है, सबका यही है। अब सवाल ये कि कैलकुलेट कैसे किया, पहले 8 को 100 से काटा या 100 को 11,664 से काटा या कुछ और किया। अच्छा कितने लोग हैं जिन्होंने 8 को 100 से काट के फिर आगे बढ़े, नो वन, और कितने लोग हैं जिन्होंने 100 को 11,664 से काट के फिर आगे बढ़े अवधि, और फिर बाकी आपने भी ऐसे किया, तभी आप दोनों का अभी तक आंसर नहीं आया, नहीं आया ना। अब सुनिए ध्यान से, अगर डिनोमिनेटर में ऐसा नंबर है जिसके एंड में जीरो है, यानी कि 10, 100, 1,000, 10,000, ऐसा नंबर अगर डिनोमिनेटर में बैठा है तो वो तो बेनिफिट है, वो क्या है, बेनिफिट, इसके लिए तो तरसते हैं बच्चे कि डिनोमिनेटर में 100 मिले, क्यों, दो जीरो घटाओ डेसिमल लगाओ, और आप दो जीरो जो मिल गया उसको काट हो रहे, मतलब तरसते हैं बच्चे कि 100 मिल जाए डिनोमिनेटर में, आपको मिला है तो आप उसको काट के 100 को 25 या कुछ और बना रहे हो। ठीक है, अब अगर आपको काट होगी तो कुछ और बन जाएगा, ये फिर उसमें डिवाइड करोगे आप। अब मुझे बताओ डिवाइड करना आसान होता है मल्टीप्लाई करना, ऑब्वियस बात है 800 से मल्टीप्लाई करना आसान है, तो जस्ट 800 से मल्टीप्लाई करो, नीचे 100 है ना, उसके दो जीरो के दो पॉइंट लगा दो, दो डेसिमल प्लेस लगा दो, तो उससे जल्दी कैलकुलेट होगा, नहीं होगा, समझ आया, ऐसे ही कैलकुलेशन जल्दी की जाती है। चलो 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 4 जा 32 रिमाइंडर 3, 8 6 जा 48 एंड 3 51 रिमाइंडर 5, 8 6 जा 48 एंड 5 50 3 रिमाइंडर 5, 8 1 जाए 8 एंड 5 13 रिमाइंडर 1, 8 1 जाए 8 एंड 1 9 डिवाइडेड बाय 100, और 100 को जैसे ही मैं सही है क्या, और जैसे ही मैं 100 को हटा दूंगा तो राइट साइड से गिनते हुए मेरे को लेफ्ट साइड आना है, दो डेसिमल प्लेस लगाने हैं, तो 1 2 9 33 के बाद 0.12 लग जाएगा। ओके चलिए, तो फाइनली हम A4 निकाल रहे हैं, तो अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर दैट इज A4
A4 इक्वल टू, पहला वाला अमाउंट बताओ क्या था, 11664 प्लस अभी वाला कितना है 933.12। अब इसको टोटल करके बताओ। पॉइंट 12, पॉइंट 12 भी है। ट्वेल्व फाइव 97.12 यही है। ओके तो अब हमारे पास चार टर्म्स कौन कौन सी है, एक बार मैं सर्कल करता हूँ। पहली टर्म तो स्टार्टिंग थी 10,000, दूसरी टर्म ये हो गई थी 10,800 A2, देन दिस वॉज A3, देन दिस वॉज A4। ऑब्वियस बात है इनके बीच का कॉमन डिफरेंस जो है सेम नहीं है, क्योंकि सेम सेम अमाउंट जुड़ा ही नहीं है तो कॉमन डिफरेंस सेम कैसे होगा। हर बार डिफरेंट अमाउंट जुड़ा है, हर बार पिछली अमाउंट से ज्यादा ब्याज मिला है। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो हर बार 800 800 800 800 जुड़ते हैं 8% के हिसाब से, लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन था इसलिए ये सेम अमाउंट नहीं जुड़ा है। तो इसके आगे का काम हो जाएगा, लिस्ट ऑफ नंबर्स मिल गई आपको। लिस्ट ऑफ नंबर से आप तीन तरीके से कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो, A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3। और तीन तरीके से कॉमन डिफरेंस निकालोगे, माइनस करोगे, नहीं करना। अरे है ना हमारे पास पिछली पहली बारी का कॉमन डिफरेंस पता है क्या निकलेगा, 800, इसमें से इसको घटाओगे तो। दूसरी बारी का पता है क्या मिलेगा, 864। तो लिखना तो है लेकिन मेहनत नहीं करनी है माइनस करने की, कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। और तीसरी बारी का पता है क्या निकलेगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 933.12। तो लिख देना हर बार अलग है, पहले 800 है, फिर 864 है, फिर 933.12 है। सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व इन द सिचुएशन डज नॉट फॉर्म एन एपी। हो जाएगा इसके आगे का काम, हो जाएगा सभी का हो जाएगा। चलो पेज पलटो, टॉपिक लिखो जनरल टर्म ऑफ एन एपी, मेन हेडिंग डालो, सेकंड टॉपिक ऑफ द चैप्टर जनरल टर्म ऑफ एन एपी। टाइम हो गया है लेकिन थोड़ा बहुत उसको हल्का सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, डिटेल में कल देखें। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, कभी कभी तो हमारी पूरी लाइट आती है, आज आ रही है तो उसका इस्तेमाल कर ले, ठीक है। कर दूं उसको डिलीट, चलें। जनरल टर्म ऑफ एन एपी, अच्छा अभी तो सब लोग ये पूछते हैं अरे जनरल की स्पेलिंग क्या है, क्या है क्या नहीं है, यही पूछ रहे हो क्या। चलो तो मैं दिखा देता हूँ क्या लिखना है आपको। जनरल टर्म वैसे टॉपिक ये है nth टर्म ऑफ एन एपी, लेकिन nth टर्म को अपन जनरल टर्म भी कहते हैं। तो जनरल टर्म और ब्रैकेट में लिख दो nth टर्म, ठीक है। हाँ जी, जनरल टर्म ब्रैकेट में क्या लिखूंगा मैं, nth टर्म ऑफ एन एपी। हेडिंग मार्क हो गई सबकी, ठीक है चलो। हाँ जी तो एक सवाल है उस पर गौर फरमाओ सब लोग। एक एपी से स्टार्ट करते हैं टॉपिक इंट्रोडक्शन, एक एपी एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, और वही एपी लेते हैं जिससे अपने चैप्टर स्टार्ट किया था। याद है किसी को कौन सी एपी ली थी अपने चैप्टर स्टार्टिंग में, पहला टर्म क्या लिया था उसका, वन देन फोर देन सेवन देन 10 13 16 19, अगला बताओ 22, उससे अगला बताओ 25, काफी है। तो ये एक एपी है, इस एपी का कॉमन डिफरेंस बताना जरा, 3 3 इसका कॉमन डिफरेंस, 3 3 + 3 + 3 हो रहा है हर बार, +3 + 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब इस एपी में अभी कितनी टर्म्स है बताओ, हाउ मेनी टर्म्स आ जाए, काउंट करो इस समय कितनी टर्म्स दिख रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टर्म्स आ जाए।
कैन यू टेल मी व्हाट विल बी 10th टर्म? अरे वाह, बता दिया है। एंड कैन यू टेल मी व्हाट इज विल बी द 11th टर्म? ये भी बता दिया आपने। एंड 12th टर्म? एंड डैश डैश 15th टर्म? ओके 34। ये कौन सी हुई? 11th हुई ना, ये कौन सी हुई? 11th। 12th और 13th में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे 15th बताओ। बताओ, नहीं बता सकते? इतना कोई मुश्किल सवाल नहीं पूछा मैंने, बताओ क्या। देखो इसके अगली दो टर्म्स में इंटरेस्टेड नहीं हूँ तो मन में जोड़ लो ना, बताओ मत, मन में जोड़ लो। 35 40, 40 के बाद सर 43, बता दिया फिर भी आपने। चलो अगेन 15th टर्म तक आ गए हम। अगेन आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन 16 17 एंड 18, टेल मी द 19th टर्म। टेल मी द 19th टर्म। 55, 43, 47, 50, 53, 56, नहीं एक मिनट, 43, 46, 49 होगा, सॉरी 49, 52, 55, करेक्ट। तो 19th टर्म बता दी आपने, अब मेरी लालच और बढ़ गई है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ द टर्म, टेल मी व्हाट विल बी 137th नंबर की टर्म। अब जोड़ते रहो, बताते रहो। तो मैं तो नहीं करूंगा, लेकिन वो तो करेगा ना, वो तो करेगा ना, एग्जामिनर तो करेगा, क्वेश्चन पेपर तो करेगा। अब उसकी ये लालच को कैसे दूर करें, सवाल ये है। तो मुद्दा ये है, एक एपी में जो कि इनफाइनाइट है या बहुत लंबी चौड़ी एपी है, बीच में से कोई भी टर्म की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। जैसे 137th टर्म पूछ ली मैंने, तो क्या मुझे पूरी 136 टर्म्स लिखनी पड़ेंगी पहले उसके लिए? द आंसर इज नो। अब तक जो तरीका था उसके हिसाब से तो लिखनी पड़ती। जैसे अभी मैंने 19th टर्म पूछी, तो आप 18th टर्म तक आए, फिर आप बताए सर ये रो 19th टर्म। लेकिन क्या आप केवल एपी इतनी सी लिखी हुई है 147, यहां से डायरेक्ट बता सकते हैं क्या 19th टर्म? सवाल ये है, और वही हमको इस टॉपिक में सीखना है। ओके, समझ आया? यानी कि इस टॉपिक में हमको एक फॉर्मूला मिलने वाला है जिससे अपन किसी भी एपी की डायरेक्टली कोई सी भी नंबर की टर्म बता सकते हैं, और थोड़ा बहुत सीखने के बाद तो रिवर्स नंबर से भी बता सकते हैं। यानी कि किसी एपी के पीछे से 10वीं टर्म बताओ, एक एपी में 1000 टर्म्स हैं, पीछे से 456 नंबर वाली टर्म बताओ। ये सब करना भी हम इस टॉपिक में सेकेंड एक्सरसाइज में सीखेंगे, आगे से भी और पीछे से भी। ठीक है, चलो पीछे पीछे से काउंट करना तो एक बार छोड़ दो, वो तो बिल्कुल लास्ट में आ जाएगा इस टॉपिक के। अभी तो अपन आगे से काउंट करते हुए कोई से भी नंबर की टर्म कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे। ओके, तो हेडिंग मार्क कर ली सबने, लिखो। द जनरल टर्म ऑल्सो नोन एज nth टर्म ऑफ एन एपी एक बार लिखो, फिर जो लिखा हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। द जनरल टर्म ऑल्सो नोन एज nth टर्म ऑफ एन एपी, थोड़ा क्विकली लिखेंगे, लिख लिया। इज द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म, इज द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड एन माइनस वन टाइम्स द कॉमन डिफरेंस, एन माइनस वन टाइम्स द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी, ऑफ द गिवन एपी, इट इज डिनोटेड बाय एन, नीचे एन। गाड़ी चल, एक मिनट, ये लिखो पूरा पैराग्राफ, इट इज डिनोटेड बाय के एन। It is denoted by AN. Generally, it is also referred to as the last term of the given AP. Generally, it is also referred to as the last term of the given AP. लिख लिया, which is denoted by letter L. Which is denoted by letter L. फिर एक फॉर्मूला है हमारे पास, L इक्वल टू ए एन इक्वल टू
ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी, और यही फॉर्मूला पूरी एक्सरसाइज में चलेगा। अब इसको फॉर्मूले को बनाना भी सीखेंगे, ये फॉर्मूला बना कैसे, ओके फॉर्मूले को बनाना भी सीखेंगे। फॉर्मूला लिख लिया, अब फिर एक नोट डाल के लिखना है। एक बार पहले पूरा लिखने का काम खत्म करो, फिर 5 ही मिनट में इसको समझाते हैं और फिर कल से एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। ये नोट डाल के लिखो, द वैल्यू ऑफ एन इन द अबव गिवन फॉर्मूला ऑफ एनथ टर्म, इस फॉर्मूला को क्या बोलते हैं, एनथ टर्म फॉर्मूला, क्या बोलते हैं इसको। जैसे मैंने कहा 137th नंबर की टर्म निकालो, फिर मैं कह दूंगा 158th नंबर की टर्म निकालो, यानी कोई भी nth नंबर की टर्म निकालने के लिए पूछ रहा हूं ना मैं आपसे, कोई भी n, n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है वहां पे, 56, 75। तो मैं कह दूं आप, मैं हर एक टर्म का अलग फॉर्मूला थोड़ा ना बनाऊंगा, मैं ऐसे तो ना कहूंगा 75th टर्म का ये फॉर्मूला है, 87th टर्म का ये फॉर्मूला है, 137th टर्म का ये फॉर्मूला है, हर एक टर्म का अलग अलग फॉर्मूला थोड़ा ना बनाएंगे। तो हमने एक कॉमन जनरल फॉर्मूला बना दिया, nth टर्म का फॉर्मूला, क्या बोलते हैं हम इसको, nth टर्म का फॉर्मूला या फिर जनरल टर्म फॉर्मूला, ओके क्या बोलेंगे, फिर से बोलो, nth टर्म फॉर्मूला या फिर जनरल टर्म फॉर्मूला, टॉपिक का नाम भी यही है, nth टर्म या जनरल टर्म। द वैल्यू ऑफ n इन द अबव गिवन फॉर्मूला ऑफ nth टर्म इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा, एंड द लेटर n इज ऑल्सो यूज टू रेफर द नंबर ऑफ टर्म्स यूज इन द एपी। यहां तक लिखो सारा, डन। तो दैट्स इट, ये इतना लिख दिया लास्ट में, अप टू हेयर लिख दिया सबने, एवरीवन ध्यान रख। लिख लिया सबने यहां तक, ओके अब सुनिए ध्यान से, बोलो एपी क्या थी हमारी, जल्दी से बोलो, 1, 4, 7, 10, 13, 16, 25 एंड सो ऑन, यही अच्छा 19 एंड 25, 19, 25, अच्छा 22, देन 25 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये एपी थी हमारी, मुझे बताओ कॉमन डिफरेंस क्या है, 3, 3, 3, ओके। अब आप खुद सोचो, कॉमन सेंस से बात करते हैं अपन, भूल जाओ ये nth टर्म फॉर्मूला, बिल्कुल मैथमेटिकल टर्म्स में बात नहीं करते, बिल्कुल देसी भाषा में, और जैसे अपन घर पे बैठ के बात करते हैं ना, कोई जनरल सी चीज को डिस्कस करते हैं वैसे डिस्कस करते हैं। हर एक टर्म तीन तीन जुड़ रहा है, हर एक टर्म क्या जुड़ रहा है, तीन तीन जुड़ रहा है, प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री। तो अगर मैंने आपसे पूछा बताओ फिफ्थ टर्म क्या है, तो फिफ्थ टर्म तक आते आते थ्री कितनी बार जुड़ा होगा, 4 बार। पहली टर्म में तो ना जुड़ा हुआ होगा, पहली टर्म तो आपको गिफ्ट में मिलती है, फिर तो उसके बाद जुड़ना शुरू होता है ना, एन ग्रेटर देन वन याद किया है ना हमने, तो पहली टर्म में तीन जो है 4 बार जुड़ा होगा। तो उसके देखो फिफ्थ टर्म की वैल्यू में जो फर्स्ट टर्म होगी उसमें 4 बार 3 को जोड़कर वो मिली होगी। अच्छा बताओ मुझे 10th टर्म तक आते आते वो जो कॉमन डिफरेंस है 3 कितनी बार जुड़ा होगा, 9 बार जुड़ा होगा, समझ आ रहा है। 15th टर्म तक आते आते वो 3 कितनी बार जुड़ गया होगा, 14th बार जुड़ गया होगा, यानी कि सर जो भी टर्म आप पूछ रहे हो ना उसमें से एक टर्म करूंगा, उसको कॉमन डिफरेंस से 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और उस पूरी वैल्यू को फर्स्ट टर्म में जोड़ दूंगा। बन गया फॉर्मूला। जैसे सपोज करो मुझे फिफ्थ टर्म चाहिए, इधर देखो स्क्रीन पे मुझे क्या चाहिए, फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म तक आते आते जो 3 है वो 4 बार जुड़ गया होगा, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, 4 बार जुड़ गया होगा, कितना हुआ, और ये पूरी वैल्यू फर्स्ट टर्म में जुड़ गई होगी, तो मिल गया मुझे 13 मिला। अब 10th टर्म निकालते हैं, चलो 5, 6, 7, 8, 9, 9 है नहीं है, 10th टर्म क्या आनी चाहिए मुझे बताओ, 28 आनी चाहिए। तो 10th टर्म तक आते आते 3 9 बार जुड़ा होगा, भाई फर्स्ट टर्म में तो कॉमन डिफरेंस जुड़ा हुआ नहीं है ना, कॉमन डिफरेंस तो फर्स्ट टर्म के बाद जुड़ना शुरू करता है, तो 10th टर्म में फर्स्ट टर्म को हटा दो तो कितनी टर्म्स हुई, 9 टर्म्स, तो 9 बार तो कॉमन डिफरेंस ऐड हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, तो 3 × 9 कितना हुआ, और ये जो सारा वैल्यू है ये फर्स्ट टर्म में जुड़ी होगी, तो 27 + 1 कितना होता है। तो अब फॉर्मूला बनाओ, आपने 3 क्या था कॉमन डिफरेंस,
नाइन कहां से मिला? जो भी टर्म आप पूछ रहे हो उसमें से एक कम करो। आप 10th टर्म पूछ रहे हो तो 9 करो, आप 8th टर्म पूछ रहे हो तो 7 करो, यानी आप nth टर्म पूछ रहे हो तो n-1 करो। अगर आप nth टर्म पूछ रहे हो तो n-1 करो, समझ गए? और इसमें फिर क्या जोड़ दो? फर्स्ट टर्म को हम a बोलते हैं, तो बन गया फॉर्मूला। अब ये d को चाहे हम यहां लिखे या यहां लिखे की बात है, तो फॉर्मूला याद हो गया, a प्लस n-1 टाइम्स d। a प्लस फॉर्मूला क्या है, मैं स्क्रीन पे चेक करो, ए प्लस n-1 टाइम्स डी, यानी n-1 को d से मल्टीप्लाई करना है। ऊपर देखो जो हमने पहली लाइन ही लिखी है उसमें क्या लिखा है, पढ़ना। अब पहली लाइन समझ में आएगी आपको, किसी भी एपी की जनरल टर्म कैसे निकाली जाती है। जनरल टर्म का मतलब है कोई भी टर्म, जनरल टर्म का मतलब है कोई भी टर्म, बीच में से उठा के कोई भी टर्म कैसे निकाली जाती है। आपको करना है सम, सम का मतलब क्या होता है, जोड़ना है। किस किस को जोड़ना है? एक तो पहली टर्म को जोड़ना है और n-1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस करके उस वैल्यू को फर्स्ट टर्म से जोड़ना है। n-1 को कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई करना है। टाइम्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। तो n-1 को d यानी कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई करना है और इस वैल्यू को सम करना है किसमें, a में, यानी कि फर्स्ट टर्म में। उससे हम किसी भी ap की कोई भी टर्म एक ही बार में निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इस फॉर्मूला के लिए अपने को क्या क्या चाहिए? अपने को तीन चीजें चाहिए। कितनी चीजें चाहिए? एक तो है फर्स्ट टर्म चाहिए सर मुझे, एक कॉमन डिफरेंस चाहिए मुझे, और एक जो आप टर्म पूछ रहे हो वो बताओ, तभी तो मैं n-1 करूंगा। मैं आपको कहूंगा 10th टर्म निकालो तो आप n-1 यहाँ पे 9 रख देंगे, लेकिन मैं कहूंगा ही नहीं 10th टर्म निकालो, मैं कहूंगा वो टर्म निकालो, तो मैं बताऊंगा ही नहीं तो कैसे निकालो। तो तीसरी चीज क्या हो गई, उस टर्म का सीक्वेंस भी तो चाहिए जो टर्म आप निकालना चाहते हो, यानी एन की वैल्यू चाहिए। एन उस नंबर का सीक्वेंस हो गया। क्लियर है? समझ आया? यहां तक क्लियर है? आगे सुनो क्या कह रहा है, इट इज डिनोटेड बाय ए एन, और इसको हम किससे डिनोट कराते हैं, ए एन से डिनोट कराते हैं, और इस ए एन को अपन किसी भी एपी की लास्ट टर्म भी कह देते हैं। ऐसा क्यों कह देते हैं? ये तो सर जनरल टर्म है ना, इसको लास्ट टर्म क्यों कह देते हैं? इसको लास्ट टर्म इसलिए कह देते हैं, देखो अगर मैंने आपको कहा कि एक एपी है उसकी लास्ट टर्म बताओ, मैंने आपसे क्या सवाल किया, एक एपी है उसकी लास्ट टर्म बताओ, या सपोज करो मैंने लास्ट टर्म दे दी आपको, मैंने क्या कर दिया आपको, सपोज करो इधर देखो 1 3 4 7 डॉट डॉट डॉट, सही है गलत कर दो, 1 4 बताओ 7 10 एंड डॉट डॉट डॉट। मैंने आपको कहा बेटा ध्यान से सुनना, इसमें कहीं ना कहीं 25 भी है ना, इसमें कहीं ना कहीं क्या है, 25 भी। अब मेरा सवाल है आपसे, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस एपी, इस एपी में कितनी टर्म्स हैं। अब ऐसा सवाल आएगा हमारी अगली एक्सरसाइज में, हम पता है कैसे निकालेंगे, हम आखिरी टर्म को पकड़ेंगे, हम आखिरी टर्म का सीक्वेंस पता करेंगे। अगर आखिरी टर्म का सीक्वेंस 12वां है, मतलब आखिरी टर्म 12वीं टर्म है, तो टोटल टर्म्स भी 12 है। अगर आखिरी टर्म 20वीं टर्म है तो टोटल टर्म्स भी 20 है। बोलो, अगर हम आखिरी टर्म का सीक्वेंस पता कर लें या पायदान पता कर लें, आखिरी टर्म का पायदान क्या है, किस नंबर की टर्म है वो, तो जिस नंबर की आखिरी टर्म है उतने ही नंबर होंगे, उतने ही टर्म्स होंगी उसमें। जैसे सपोज करो मैंने कहा इस क्लास में कितने बच्चे हैं, आपने कहा नहीं पता, मैंने कहा जो लास्ट बच्चा है ना उसकी 20वीं रैंक बनी थी, तो फिर 20 ही बच्चे होंगे ना। मैंने कहा जो आखिरी बच्चा है ना, सबसे जो बिल्कुल जिसके कम मार्क्स आए उसकी 20th रैंक बनी थी, दैट मीन्स 20 बच्चे हैं क्लास में। तो हम क्या करेंगे, लास्ट टर्म को का सीक्वेंस पता कर देंगे, और उसका सीक्वेंस पता करके जो उसका सीक्वेंस होगा उतनी ही टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। इसीलिए अपन ए एन को एल से इक्वेट कर देंगे। अब ये जब क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे से समझ पाओगे, थोड़ा बहुत समझ में आया कि हम ए एन को एल भी मान लेते हैं, ठीक है। अभी खत्म नहीं हुआ, आखिरी का पैराग्राफ बाकी है। ये क्या कहता है, इस फॉर्मूला के अंदर एन की वैल्यू हर हाल में एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए। बोलो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? देखो ए जो है कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो डेसिमल रूट में कुछ भी हो सकता है, डी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन एन कुछ भी नहीं हो सकता, एन हर हाल में एक नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। मैं ऐसे पूछ सकता हूँ 12वीं टर्म बताओ 13वीं टर्म बताओ, लेकिन मैं ऐसे नहीं कह सकता 12.5वीं टर्म बताओ, 12.5वीं टर्म ही नहीं होती, 12वीं के बाद 13वीं टर्म होती है। सो जो सीक्वेंस मैं पूछ रहा हूँ वो एक नेचुरल नंबर हर हाल में होना ही चाहिए, और एन को अपन एपी के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को डिनोट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा इसकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो हम उसको एन मान लेंगे, क्या मान लेंगे, एन। तो एन दो जगह यूज हुआ, एन एक तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को डिनोट करने के लिए यूज हुआ,
दूसरा किसी भी टर्म का सीक्वेंस पता करने के लिए यूज हुआ। जैसे मैंने कह दिया 25 जो है वो 812 है, यानी कि उसमें 12th नंबर की टर्म क्या है 25। तो n ये जो 12 मिला वो 12 क्या मिला मुझे, उसका सीक्वेंस मिला। तो n दो काम करेगा, एक तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताएगा और एक किसी भी टर्म का सीक्वेंस बताएगा। ठीक है, क्लियर है? तो दैट्स इट, कल से अपन एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।